हाँ बोले नटू काका। सेठ जी, इज इट ए गुड टाइम टू टॉक विथ यू? अरे भाई अभी मेहरबानी करके अंग्रेजी मत जाड़िए भाई, क्यों फोन किया, सीधा सीधा हिंदी में बोलिए ना भाई। सेठ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो आपसे बात करने के लिए क्या ये सही टाइम है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी बहुत परेशान हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे बापू जी खो गए। क्या, बापू जी खो गए? बापू जी खो गए? अरे कैसे खो गए? बापू जी कहाँ खो गए, कहीं वो फिर से किडनैप तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, किडनैप नहीं हुए, खो गए। कैसे खो गए? और भीड़ की बेवकूफी की वजह से। जेठालाल, मेरी बेवकूफी की वजह से नहीं हुआ है। मैंने चाचा जी को कितनी बार बोला कि आप मेरे साथ चलिए छाता लेने के लिए, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया था। अरे पर तू छाता लेने गया क्यों? छाता लेने नहीं गया होता तो बापू। फिर से लफड़ा चालू पुलिस स्टेशन में, क्या चल रहा है ये? शांति से बात करो, अभी लफड़ा किया आप सीधा अंदर। क्या हुआ नटू काका? वहाँ सेठ जी पांडे जी से बात कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा बापू जी का कुछ पता चला? हाँ पता चल जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो फिर हमारे काम में डिस्टर्ब बन जाएगा, फिर बापू जी लेट मिलेंगे, फिर बोलेंगे लेट मिल रहा है। सॉरी। भाभी भाभी समझाइए ना। जेठालाल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने चाचा जी को बोला, धीरे क्या कर रहे हो यार, चुप रहो ना भाई थोड़ी देर, अभी अभी पांडे जी बोल के अंदर डाल देंगे तुम्हें, क्या कर रहे हो? और जेठालाल तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारा फोन चालू है, नटू काका फोन पे है। हेलो, अरे बताइए ना सेठ जी, कैसे खो गए बापू जी? अरे भाई मैं अभी पुलिस स्टेशन आया हूँ, बापू जी खो गए, उसका रिपोर्ट लिखाने भाई, अभी आप फोन रखो भाई। ठीक है सेठ जी, ओके। बापरे नटू काका, बापू जी कहाँ खो गए होंगे, कैसे खो गए होंगे? ये तो पता नहीं बागा, लेकिन सेठ जी मुझे बहुत चिंता में लग रहे थे। हे भगवान, बापू जी जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। अरे भाई तुम्हें पता है ये गोकुल धाम कब आएगा? अंकल अभी टाइम लगेगा, वर्किंग डे है ना, तो ट्रैफिक भी होगा, आप आराम से बैठिए। गोकुलधाम की बस में बैठ तो गया हूँ, लेकिन जेठिया मेरी बहुत चिंता कर रहा होगा, मुझे फोन करके उसे खबर कर देनी चाहिए। बेटा गेम खेल रहे हो? जी अंकल। क्या नाम है तुम्हारा? नीतेश नाम है मेरा अंकल। बेटा एक बात बोलूं? जी बोलिए। बेटा क्या है ना कि गोकुलधाम आने में समय लगेगा ना? जी। तो मेरा बेटा चिंता करेगा मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि उसे खाली एक फोन करके बोल दूँ कि मैं अभी रास्ते में हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा घर, तो मेरी चिंता ना करे। तो बेटा मुझे ये तुम्हारे मोबाइल से एक नंबर लगा के दोगे? श्योर अंकल, बस एक मिनट। या अंकल, टेल मी योर नंबर। आप अपना नंबर बताओ ना जिसपे कॉल करना है। जी 022 जी 2865 कोई नहीं उठा रहा अंकल। लगता है जेठिया अभी तक घर नहीं पहुंचा, उसके मोबाइल पे मोबाइल नंबर कहाँ याद है मुझे, दुकान पे फोन करके नटू और भागा को बोल देना, वो लोग जेठिया को बता देंगे। अच्छा बेटा और एक नंबर देता हूँ, वो ट्राई करो जरा। जी बोलिए। 022 ये भी कोई नहीं उठा रहा अंकल। कमाल है, नटू और बागा को तो इस वक्त दुकान में होना चाहिए, वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकल अपने बेटे का मोबाइल नंबर देना। बेटा वो उसका मोबाइल नंबर मुझे याद नहीं है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा। हे भगवान जल्दी से मुझे गोकुलधाम पहुंचा दे। हे भगवान, बापू जी जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो और जल्दी से मिल जाए।
कनाल, मैंने भी भगवान से प्रार्थना की क्या कि तुम्हारा सखाराम जल्दी से मिल जाए। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैंने भी चाचा जी के मिलने की मनोकामना की है। मैं भी चाचा जी को अपने पिता समान मानता हूँ भाई। हाँ जेठ भाई, सखाराम से ये प्यार करते हैं लेकिन चाचा जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हेलो, हाय जेठा जी, आपको चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं नहीं बबीता जी, कुछ पता नहीं चला। वहाँ कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बबीता जी, बापू जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। जेठा भाई तुम्हें फिक्र नहीं करो, हाँ चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ जेठा भाई, चिंता मत कीजिए, हम सब भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चाचा जी जल्दी मिल जाए। और जेठा भाई, चाचा जी के बारे में हमें अगर कुछ पता चलेगा ना तो हम आपको तुरंत बता देंगे जी। और आपको भी कुछ पता चले ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, जरूर जरूर बबीता जी, थैंक यू। जेठा भाई, चाचा जी ने हमें कि वे कौन ले गया, एक बार मैंने पता चल जाए उन्होंने तो मैं छोड़ा नहीं। क्या पता सोठी कौन ले गया बापू जी को और क्यों ले गया। सखाराम को भी लेके गया। अरे आप सबको किसने बताया? अरे तो बबीता ने बताया, मैंने रोशन ने फोन करके दसे यार। और पोपटलाल को मैंने फोन कर दिया था। मैं बता रहा हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है पोपटलाल, तुम बताओ या मैं बताऊँ, और वैसे भी फोन मैंने किया तो मेरा बताना बनता है। चाचा जी का कुछ पता चला? भाई पोपटलाल, अगर हमें पता चल जाता कि चाचा जी कहाँ है तो हम वहीं होते ना, यहाँ क्यों होते पुलिस स्टेशन में। अरे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कुछ पता चला, मतलब कुछ क्लू वगैरह मिला। अरे भाई पोपटलाल, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर पता चल जाता तो हम लोग क्लू के पास होते, यहाँ थोड़े ही होते। सही बात है, कभी कभी छोटा सा मिस्टेक से कितना बड़ा रिपरकशन आता है हम सोच भी नहीं सकते। क्या मिस्टेक, क्या रिपरकशन? जेठा लाल से चाचा जी का चश्मा टूट गया और उसका वजह से आज चाचा जी गायब हो गया। यार छोड़ो ना ये सब, जो हो गया सो हो गया, अभी हमारी प्रायोरिटी है चाचा जी को ढूंढना। हाँ तो चलो। हाँ चाचा जी को ढूंढने, लेकिन कहाँ चले सोड़ी? हाँ वो तो मैं सोचा ही नहीं। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार चाचा जी को सच में किसी ने किडनैप कर लिया? अरे लेकिन बापू जी को किडनैप करके किसी को क्या मिलेगा? भाई मैं एक पत्रकार हूँ, शहर में किडनैपिंग की वारदातें बहुत बढ़ रही है, मैं सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ। एक बार है किडनैपर जिन्हें चाचा जी ने किडनैप किया ना, मेरे हाथे लग जाए अनु तो मैं छोड़ा नहीं। सोनी भाई शांति रखो, आराम से बात करो, पांडे जी बोल के गए अगर चिल्लाओगे झगड़ा किया तो अंदर डाल देंगे। शांति रख भाई, शांति रख। सही बात है सोनी, पांडे जी हमसे वैसे ही परेशान है, कहीं सच में लॉकअप में ना डाल दे। अब मैं बोलूंगा। पोपटलाल तुम संभावना जता रहे हो कि चाचा जी का किडनैप हो गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को चाचा जी को किडनैप करना होता तो सिर्फ चाचा जी को ही लेके जाता, स्कूटर क्यों लेके जाता? बात तो सही है, स्कूटर की स्पीड लिमिटेड होती है, और ये तो साइड कार वाला स्कूटर है। सखाराम? हाँ हाँ सखाराम। सखाराम क्या है, साइड कार वाला है तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्कूटर से भी कम है। और दूसरा क्या है, स्कूटर ओपन होता है, उनको अगर सच में चाचा जी को किडनैप करके लेके जाना होता तो वो काले शीशे वाली वैन में डाल के लेके जाते। डाल के क्या होता है भाई, डाल के क्या? नहीं नहीं मतलब बिठा के लेके जाते। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को भीड़े का सखाराम चुराना था, लेकिन क्योंकि बापू जी स्कूटर में बैठे थे तो बिना वजह बापू जी भी चोरी हो गए। नहीं नहीं जेठालाल, बेचारा सखाराम ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसको भाई क्यों किडनैप करेगा? तो क्या हमारे बापूजी ने किसी का बिगाड़ा है? अरे ऐसा नहीं मने थे माला। अरे सुनो, वो स्कूटर किसका था? स्कूटर नहीं सखाराम था, नहीं है, क्या हुआ? वो मिल गया। मिल गया सखाराम, मिल बापूजी। वो अभी तक नहीं मिले। अरे इसका स्कूटर मिल गया और बापूजी नहीं मिले, तो कहां गए मेरे बापूजी? अरे जेठा हिम्मत रखो यार। परेशान मत हो, चिंता बिल्कुल मत करो, स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का पता भी चल जाएगा। जेठालाल चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। हाँ अच्छा पटेल साहब, सखाराम कहाँ मिला? वो सुनसान सड़क पर खड़ा मिला, अभी वहीं पे पुलिस की निगरानी में, कुछ देर बाद उसे लेके आएंगे। अच्छा पटेल साहब, मेरा सखाराम ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना उसे? बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ स्कूटर के टायर गायब है।
वो जहाँ पे खड़ा था वहीं से किसी चोर ने चुरा लिया होगी। माधवी, कोई सकरम की टांग लेके गया? अरे यहाँ मेरे पूरे के पूरे बापू जी गुम हो गए, तुझे सकरम की टांगों की पड़ी है। और टांग, सकरम के टायर को तू टांग बोलता है, तो हेडलाइट को क्या मांग बोलेगा है? और डिक्की को क्या जांग बोलेगा? क्या बांग पे क्या है? शांग? शांग मला शांग? ए, ए। हलाल, दो मिनट यहाँ से क्या हटा, तुम लोगों की चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। याद रखो ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे। हाँ। तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड नहीं है। एक साथ जमा हुए तो चिल्लम चाली शुरू। फिर शांति रखो और पुलिस को अपना काम करने दो। ओके? माफ कीजिए चालू जी, पांडे जी, लेकिन पुलिस अपना काम बराबर कर नहीं रही है। क्या मतलब? मतलब मेरे सजीव बापू जी को ढूंढने की जगह पे ये भीड़े का निर्जीव सखरम ढूंढ के लेके आए। क्या जेठालाल सच बोल रहा पाटिल? ऐसा नहीं सर, हम तो चाचा जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सड़क पर वो स्कूटर मिल गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे लगता है सर, जैसे कहीं स्कूटर पड़ा हुआ मिला वैसे ही बापूजी भी मिल जाएंगे पड़े हुए। अगर वो पीते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। अरे ओ पाटिल दादा, भाऊ पाटिल, ओ क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरे बापूजी एक आदर्श पिता है, वो कभी नहीं पीते। नहीं मतलब क्या है, क्या कोई तरीका है सर? आई एम सॉरी जेठालाल, पुलिस को हर एंगल से देखना पड़ता है। देखो पुलिस कोशिश कर रही है, चाचा जी जल्दी मिल जाएंगे जेठालाल, लेकिन अब मुझे पुलिस स्टेशन में चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। गॉट इट? चलो पटेल। अच्छा अंकल, मेरा स्टॉप आ गया। टिकट काका, कुछ जाए किधर जाना है? गोकुलधाम। टिकट ले लो, 40 रुपया। अरे पैसे कहाँ है मेरे पास? पैसे तो भिंडी मास्टर के पास थे। सुनो भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े काका? देखो भाई, दरअसल क्या है कि मुझे घर जाना है और मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। मेरे साथ जो था ना, वो मुझसे कहीं बिछड़ गया है, पैसे उसके पास थे। तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे लिख के दे दो, मैं टिकट के पैसे तुम्हें घर पहुँचा दूंगा। अरे काका, ये सरकारी बस है और आप जैसे बहुत आते हैं रोज बहाने बनाने वाले, मुफ्त में सवारी करनी है ना, सगळं समजता काका मला। अरे मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ? देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, मेरी बात समझो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें पैसे बाद में भिजवा दूंगा। अरे काका, पैसा नहीं तो बस से उतरना पड़ेगा। चलो उतरो, ए कदम हमारे। हे 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 मैन, वेट वेट, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अंकल जी से? अंकल जी कहीं नहीं उतरेंगे, लो उनके टिकट के पैसे मैं दूंगा। कितने हुए टिकट के? 40 रुपए। हाँ ये लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ ले रहे हो? नहीं अंकल, तकलीफ की कोई बात नहीं है। टिकट ले लो। ये लीजिए अंकल आपकी टिकट। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटा तुम नहीं होते तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ता। एक बार फिर से थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम और नंबर मुझे कागज पे लिख के दो, मैं ये 40 रुपए तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल जी, पैसों की कोई बात नहीं है, आप ना बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे दिखते हो, मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सॉरी 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 सॉरी। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। लीजिए अंकल, चॉकलेट खाइए। हाँ नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। अंकल लीजिए ना, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, चॉकलेट खाने से एनर्जी आती है। आपको चॉकलेट नहीं पसंद?
मेरे दादाजी को तो बहुत पसंद है। नहीं नहीं पसंद तो है। लीजिए ना लीजिए ना। अच्छा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो खा लेता। थैंक यू बेटा। लाइए अंकल मुझे दीजिए, मैं बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। थैंक यू बेटा। अंकल बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आपकी आंख में कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, आंखों में तकलीफ कोई नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा चश्मा टूट गया है, इसलिए मुझे सब धुंधला दिख रहा है। तो कल सुबह मेरा चश्मा आ जाएगा तो फिर से ठीक से दिखने लगेगा। तकलीफ कोई नहीं। अरे वहां जाकर बैठो ना। नेता साहब भिड़े का स्कूटर तो कब का मिल गया, लेकिन बापूजी अभी तक नहीं मिले। कहां होंगे बापूजी, किस हाल में होंगे बापूजी? जेठालाल भगवान पर भरोसा रखो, चाचा जी जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक कैसे नहीं होंगे मेहता साहब, वो चाचा जी को कोई छू भी नहीं सकता। और गलती से अगर चाचा जी को किसी ने छू लिया ना तो मैं उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। सॉरी सॉरी शांत हो जा, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ छोटी चलो जी। पांडे जी बापू जी का कुछ पता चला? देखो जेठालाल अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे इनका स्कूटर मिला था वैसे चाचा जी भी मिल ही जाएंगे। एग्जैक्टली यही बात थोड़ी देर पहले मैंने जेठालाल को कही पांडे साहब के भाई स्कूटर का पता चल गया है तो चाचा जी का भी पता चल जाएगा। आपने बोला जी क्यों? नहीं कॉमन सेंस है ना भाई, के स्कूटर पे ही थे चाचा जी तो स्कूटर का पता चल गया तो चाचा जी का पता चल ही जाएगा, इसलिए मैंने बोला। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं वो जेठालाल जेठालाल ने पूछा। नहीं जेठालाल ने पूछा नहीं, मैंने ही बोला। मैंने कहा भाई इसको पूछा नहीं फिर भी आपने बोला। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ पुलिस स्टेशन। कानून को आपने जुबान पे ले लिया, ये पुलिस का काम समझा? आप सिविलियन है देन बिहेव लाइक अ सिविलियन, नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट। ओके जेठालाल तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो टॉक टू मी डायरेक्टली ना, यू नो मी पर्सनली, हैव माय नंबर। मैं कह रहा हूं जैसे इनका स्कूटर मिला है वैसे ही चाचा जी मिल जाएंगे। कब? बहुत जल्दी जेठा माधवी, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इनके पास कोई न्यूज़? चाचा जी क्यों आए बोलता है? ए चुप, रोते क्यों? पुलिस स्टेशन के अंदर से रोने की आवाज बाहर जाती है तो पुलिस स्टेशन का इंप्रेशन खराब होता है। हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमें बापूजी के खो जाने का दुख है। हम लोग दिखावे का नहीं सच में रो रहे हैं। बड़े सयाने कह के गए हैं अगर कोई अपना खो जाए और रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए। ए, जेठालाल तुमने बुलाया था इनको? नहीं नहीं मैंने नहीं बोला। अरे तुम लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी बापूजी गुम हो गए हैं, ये खबर सुनने के बाद हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए दुकान बंद करके हम लोग यहाँ आ गए। देखो इस तरह रोने से और यहाँ रुकने से चाचा जी नहीं मिल जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए, जैसे हमें चाचा जी की कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों कोई माने या ना माने लेकिन चाचा जी बस, और ये कहानी तीनों इस वक्त जा रहे थाने। थाने मतलब पुलिस थाने नहीं भाई, मुंबई के पास जो शहर है थाने वहां। अब चाचा जी जा रहे हैं थाने, अब आपके हंसी रोकने के नहीं चलेंगे कोई बहाने। जैसे जैसे चाचा जी थाने की ओर बढ़ रहे इधर गोकुलधाम निवासियों की धड़कन बढ़ रही है, जेठालाल और गोकुलधाम निवासियों का दिल बैठा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर चाचा जी थाने वाली गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए तो कितना धमाल होगा, लेकिन अगर बस किसी और दिशा में मुड़ गई और वो कहीं और पहुंच गए तो सोचिए कितना बवाल होगा। इधर धमाल होगा इधर बवाल होगा, लेकिन आपके सामने ये जो हंसी के लड्डुओं का थाल होगा, यानी कि अगला एपिसोड हंसी का कमाल होगा और आपका घर हंसी से माला माल होगा। बस देखते रहिए
तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।